हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू वाईफाई 2.0 एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दिवाली स्पेशल के एक और सेशन में जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस अब मिसलेनियस क्वेश्चंस में कई तरीके के क्वेश्चंस आज आपको देखने वाले हैं मतलब ये क्लासिफिकेशन नहीं है एनालॉगी नहीं है नंबर सीरीज नहीं है बट कुछ हटके हैं कुछ हटके हैं जो एक से तीन मार्क का एग्जाम में पूछा जा सकता है तो चलो आज के सेशन को देखते हैं एंजॉय करते हैं इस फेस्टिवल में एक और सेशन और कुछ बेहतरीन सीख के एग्जामिनेशन की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करते हैं तो लेट्स बिगिन अप बट कोर्स ये क्लासेस की टाइमिंग एक बार आपको फिर से बता दें हम यहाँ पे यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे मंडे से लेके फ्राइडे तक 4:30 पीएम पे क्लास होती है इसके अलावा सैटरडे संडे यही क्लास आपकी फोर पी पे हो जाती है अन अकेडमी की लर्निंग आप पे अगर हम बात करें तो फ्री स्पेशल क्लास जो कि सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों के लिए होती है दो टाइमिंग है सुबह साढ़े सात से साढ़े आठ और रात में नौ बजे से दस बजे तक फिर प्लस कोर्स की अगर हम बात करें तो अन अकेडमी के ही प्लेटफॉर्म पे बारह बजे से एक बजे तक अब जो नया कोर्स आने वाला है वो है एटीन ऑफ नवंबर को थर्टीन डेज का थर्टीन लेक्चर्स का दो क्विजे जिसमें इन्वॉल्व है तो इन तेरह दिनों में आपकी पूरी की पूरी तैयारी एस एस सी के फॉर्मेट पर बेस्ड होगी इसके अलावा अन अकेडमी पे is, जिस प्रोफाइल को फॉलो करोगे दैट इज समि शुक्ला जिस कोड को यूज करोगे टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट ताकि आप सारे के सारे प्लस कोर्सेज वैलिडेट कर पाओ सो दैट इज एस एम एस टेन अब कोर्स में क्या क्या है तो वो देखो एक बार एटीन ऑफ नवंबर से बैथ शुरू हो रहा है एस का कॉम्पैक्ट क्रैश कोर्स जिसको आप एस एस सी के लिए भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि अभी सी की वैकेंसी आउट हुई है तो बस उसके लिए भी आप इसको टारगेट कर सकते हो थर्टीन डेज का पूरा का पूरा स्केड्यूल है जिसमें आपको थर्टीन क्लासेस मिलने वाली है थर्टीन क्लासेस के साथ साथ दो क्विजेस भी मिल जाएंगे इसमें और इसके अलावा अगर आप देखो तो बेनिफिट ऑफ कंटेंट ये है कि इन तेरह के तेरह दिनों में आपका इतना सिलेबस कवर हो जाएगा कि आप मेरिट या मैक्सिमम रीजनिंग में स्कोर कर पाओगे सो लेट्स सी यू ऑल ऑन एटीन नवंबर अन अकेडमी की लर्निंग्स ऐप पे बस रिक्वायरमेंट है सब्सक्रिप्शन की अगर सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो कर लो ठीक है सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस लर्निंग्स ऐप के इस सब्सक्रिप्शन पे जाना है कोड अप्लाई करना है एस एम एस टेन ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है प्रोसीड टू पे करना है और बस बेनिफिट अदर सब्जेक्ट्स साइड बाई साइड अदर एजुकेटर्स सबकी क्लासेस सबके सब्जेक्ट्स आपको पे मिलने लगेंगे मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हमारे साथ बाउंड रहोगे आफ्टर यूजिंग द कोड एस एम एस टेन आप आराम से सारे सब्जेक्ट सारी क्लासेस कर सकते हो ठीक है तो चलो आज के इस सेशन को शुरू करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन के स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो निम्न व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए एक एल्फान्यूम्रिक सीरीज दी हुई है इसी पर बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमें सॉल्व करना है क्या कहा है क्वेश्चन में हाउ मेनी सच देयर इन अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीजिएटली प्रोसीडेड एंड फॉलोड अ अट उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले और तुरंत बाद में व्यंजन है मतलब क्या बोला है ऐसे कितने सिंबल्स हैं जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद में एक कॉन्सोनेंट तो ये ग्रुप चाहिए हमें सिंबल से पहले भी कॉन्सोनेंट और सिंबल के बाद भी कॉन्सोनेंट तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये नहीं है क्योंकि ए इज़ अ वॉवल पर सी परसेंट डी है एक फिर उसके बाद आगे बढ़े तो ये नहीं है क्योंकि ई इज़ अ वॉवल Q हैश एच हो गया सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट बाद में कॉन्सोनेंट ये नहीं है क्योंकि आई इज अवल फिर उसके बाद J अल्फा के एल बीटा एम और एम से फिर एन तो कितने हो गए ये वन टू थ्री फोर फाइव सो दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर वन फाइव समझ जाएंगे हमें सिर्फ सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट चाहिए था और सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट चाहिए था डन yes. में ऑडियो चेक करना जरूरी है नहीं तो पता चलेगा आप लोग को फिर कुछ सुनाई ही नहीं देगा है ना चलो फिर आगे बढ़े अगला क्वेश्चन देखें सारी के सारे क्वेश्चन पता है इन्हीं इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है और इन्हीं इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर करना है ठीक है लेटर्स इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द अब अरेजमेंट देन हाउ मेनी एलिमेंट रिमेन इन दबव अरेजमेंट यदि से सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो उपरोक्त व्यवस्था में कितने तत्व बचेंगे अब क्या करना हमें सभी लेटर्स को या सभी अक्षरों को हटा देना है तो आप इनको हटाओ फिर लिखो इट्स बेटर कि हम इनके बिना काउंट कर लें। यही कर सकते हैं. इनके बिना काउंट कर ले दैट मीन्स देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह तो कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे पास फिफ्टीन हमने लेटर्स को काउंट नहीं करना अब लेटर्स हमारे कॉन्सोनेंट हो चाहे वोवल्स हो कोई भी हो हम किसी को भी काउंट नहीं करेंगे तो जो हमें क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन में बोला बस हमने उसको पढ़ा और आंसर किया एज सिंपल इज दैट लगाना सिंपल चलो फिर अगला देखो हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट विच इज इमीजिएटली प्रोसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीजिएटली फॉलोड बाय अ नंबर उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसी संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले व्यंजन और तुरंत बाद में संख्याएं अब क्या बोला हाउ मेनी सच नंबर्स जिनके इमीजिएटली पहले कॉन्सोनेंट है और इमीजिएटली बाद में एक नंबर है मतलब अब हमें ग्रुप चाहिए इस तरीके से कॉन्सोनेंट नंबर नंबर शुरू से देखो कॉन्सोनेंट नंबर नंबर फिर कॉन्सोनेंट नंबर नंबर बस और तो कहीं पे है ही नहीं ये है लेकिन कौनसोनेट नंबर नंबर नहीं है फिर तो वोवेल आ गया तो ये किसी काम का ही नहीं है ठीक है तो कितने हो गए ये दो दो मतलब ऑप्शन नंबर टू लगा ना सिंपल हमने ना अपना कुछ दिमाग लगाया ना कुछ प्लस माइनस किया बस जो क्वेश्चन में पूछा था उसको सीरीज में से फाइंड कर लिया एज सिंपल एज देट डन अगला देखो फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन their पोजिशन इन the अब अरेजमेंट and so form a group, which is the one that does not belong to that group. उपरोक्त व्यवस्था में निम्नलिखित पांच में से चार अपनी स्थिति के आधार पर एक निश्चित तरीके से एक समूह बनाते हैं निम्न में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है मतलब इस ग्रुप पे अकॉर्डिंगली कौन सा सेम नहीं है तो अब देखो पहला ऑप्शन क्या है ई एफ फाइव एफ e, फाइव एक छोड़ा एक छोड़ा साथ में ले लिया ये फाइव फिर ये देखो एक छोड़ा जे फिर एक छोड़ा के तो ये दोनों तो सेम टू सेम हो गए ठीक है फिर डी एट के साथ देखो डी एक छोड़ा एट फिर एक छोड़ा तो ये भी सेम टू सेम हो गया फिर एम और यहाँ पे दिया हुआ है बी टू सी तो देखो बी टू सी तो बी टू सी भी सेम टू सेम हो गया लेकिन वही अगर हम एम सिंबल एन देखें तो ये हमारा एक साथ है तो बस ऑड वन आउट यही हो गया क्योंकि बाकी सारे के सारे एक छोड़ के एक लिए जा रहे हैं ठीक है अगला देखो अब क्या है यहां पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सीरीज अब एक नंबर सीरीज दे दी उसके आधार पर हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके आंसर करने तो हिंदी में भी देखो वही लिखा है दी गई संख्या श्रृंखला के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए ठीक है? अब पहला क्वेश्चन क्या है हाउ मेनी सच थ्री आर देर इन द अब सीरीज विच इज इमीजिएटली फॉलोड बाई अ परफेक्ट स्क्वेर एंड प्रोसीडेड बाई अ कॉम्पोजिट ऑड नंबर उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने तीन हैं जिनके तुरंत पहले संयुक्त विषम तथा तुरंत बाद में पूर्ण वर्ग आता है ठीक है तो हमें थ्री से पहले कॉम्पोजिट ऑड नंबर और बाद में एक स्क्वायर चाहिए ठीक तो सबसे पहले तो हमको यह भी पता होना चाहिए कि कॉम्पोजिट ऑड नंबर क्या होते हैं वॉट डू यू मीन बाय कॉम्पोजिट ऑड नंबर या कौन कौन से नंबर एक्चुअली कॉम्पोजिट ऑड नंबर होते हैं तो अगर हम इसको देखें तो यस आई विल टेल यू बेसिकली कि कॉम्पोजिट ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं क्योंकि कंफ्यूजन होता है यार कंफ्यूजन होता है इस पे कि वन भी है थ्री भी है फाइव भी है ना तो वो सारे ऑड नंबर जो प्राइम नहीं है ठीक है वो सारे के कॉम्पोजिट ऑर्ड नंबर सीधे सीधे याद रखना वो सारे के सारे ऑर्ड नंबर जो प्राइम नहीं है वो हमारे कॉम्पोजिट ऑर्ड नंबर कहलाते हैं बात समझ आए वो सारे ऑर्ड नंबर जो हमारे प्राइम नहीं है मतलब नाइन फिफ्टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन तो जो प्राइम नहीं है वही कॉम्पोजिट ऑर्ड है बात समझ गए और परफेक्ट स्क्वायर तो पता ही है हमें तो चलो ठीक अब थ्री से पहले यहां पे तो कुछ भी नहीं है तो ये किसी काम का नहीं पेन का कलर चेंज कर लेते हैं अब ये देखो थ्री से पहले वन दिया हुआ है थ्री के बाद में सिक्स तो ये भी किसी काम का नहीं थ्री से पहले फाइव और थ्री के बाद में फोर बट फाइव इज अ प्राइम नंबर है ना तो फाइव को हम कॉम्पोजिट ऑड नंबर नहीं कंसिडर करेंगे तो इसीलिए ये भी नहीं होगा बात समझ गया ना फाइव हमारा प्राइम है और अब भी हमने बताया था कॉम्पोजिट ऑड नंबर वो जो प्राइम नहीं होते ठीक है अगला देखो तो थ्री से पहले टू अब जब थ्री से पहले टू यार तो ये तो ऑड ही नहीं है ना तो हटा दो इसको तो कोई भी नहीं मिला सो दैट मींस आंसर लगाओ ना नन बिना कंफ्यूजन के आंसर नन लगाओ क्योंकि कॉम्पोजिट ऑड नंबर बोला है हां सिर्फ ऑड नंबर बोला जाता तब बात कुछ और होती बात समझ आई बोलो बोलो समझ में आया सबको यस yes? चलो फिर लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वेयर्स आर देयर इन द अबव सीरीज विच इज इमीजिएटली प्रोसीडेड बाय एन ऑड नंबर उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने पूर्ण वर्ग हैं जिनके तुरंत पहले एक विषम संख्या आती है अब पूर्ण वर्ग कंसिडर करना है ठीक है जिनके पहले विषम संख्या विषम संख्या मतलब ऑड तो ये तो नहीं है एक ये हो गया फिर एक ये हो गया फिर एक ये हो गया एक ये हो गया एक ये हो गया और एक ये हो गया कितने हो गए ये देखो सिक्स वन को परफेक्ट स्क्वायर मत कंसिडर कर लेना ठीक है कि फिर इसको भी मार्क कर दो यहां पे सेवन के चक्कर में वन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ठीक तो उस हिसाब से आंसर हो गया हमारा कितना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऑप्शन नंबर थ्री डन अगला देखो विच नंबर बिकम्स टेंथ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट इफ होल सीरीज गेट रिवर्स टेंथ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट मतलब बाएं से दाएं जाना है तो फाइव प्लस टेन कर देंगे फिफ्टींथ एलिमेंट या फिफ्टींथ तत्व अब पलटा के तो जो यहां से काउंट करना था वो यहां से काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन तो क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर कितना हो गया हमारा फोर ठीक अगला देखो विच नंबर इज थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ टू द राइट ऑफ नंबर विच इज एटीन फ्रॉम लेफ्ट अब क्या बोला है विच नंबर इज थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ द राइट ऑफ एटीन फ्रॉम लेफ्ट मतलब बाएं से अठारवा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन के राइट में फोर्थ वन टू थ्री फोर के राइट में थर्ड वन टू थ्री तो कितना हो गया ये नाइन सो क्वेश्चन नंबर एट का आंसर इस ऑप्शन नंबर टू नाइन सीधा सीधा हम इसको ऐसे भी कर सकते थे एटीन प्लस फोर प्लस थ्री तो ये कितना हो जाता हमारा ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फिफ्थ एलिमेंट <coughs> और पूरी सीरीज में देखो कितने हैं दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अट्ठारह बीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस तो जब आपको पता की ट्वेंटी सिक्स एलिमेंट्स हैं तो ट्वेंटी फिफ्थ एलिमेंट लास्ट सेकेंड वाला हो जाता ठीक चलो अगला देखो अब ये कुछ इंटरेस्टिंग है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टू रोज ऑफ नंबर द रिजल्टेंट नंबर इन ईच रो इज टू बी वर्क आउट सेपरेटली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रूल्स एंड द क्वेश्चन बिलो द रूल्स ऑफ द नंबर्स आर टू बी आंसर्ड द ऑपरेशन ऑफ नंबर प्रोग्रेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में संख्याओं की दो पंक्तियाँ दी गई हैं नीचे दिए गए नियमों के आधार पर प्रत्येक पंक्ति में परिणामी संख्या की गणना अलग से की जानी है और संख्याओं की पंक्तियों के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दिया जाना है संख्याओं की सक्रिया बाएँ से दाएँ चलती है तो अब इस पे रूल्स दिए गए देखो सबसे पहला रूल क्या है इफ एन ऑर्ड नंबर इज फॉलोड बाई टू डिजिट इवन नंबर देन दे आर टू बी एडेड मतलब किसी भी ऑड नंबर के बाद में अगर टू डिजिट इवन नंबर हुआ तो उन दोनों को हम क्या करेंगे एड इसको नोट कर लो अभी क्वेश्चन पे जब लगाएंगे तब समझ में आएगा कि ऑड के बाद में अगर टू डिजिट इवन नंबर है तो उनको हम एड करेंगे दूसरी क्या है इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाई टू डिजिट ऑड नंबर देन द सेकेंड नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर यदि किसी विषम संख्या के बाद कोई द्विअंकीय विषम संख्या आती है ऑड के बाद टू डिजिट ऑड तो फिर दूसरी संख्या पहली से घटाई जानी है मतलब फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देंगे ठीक है अगला देखो इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अ नंबर विच इज नंबर देन द सेकेंड नंबर यदि किसी सम संख्या के अलावा कोई ऐसी संख्या आती है जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है तो दूसरी संख्या का पहली संख्या से विभाजन किया जाएगा मतलब क्या हुआ इवन नंबर के बाद में परफेक्ट स्क्वायर अगर आता है तो उस स्क्वायर को हम इवन नंबर से डिवाइड कर देंगे बात समझ आई चौथा इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय टू डिजिट इवन नंबर इवन नंबर के बाद टू डिजिट इवन तो दोनों के दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एक बार जरा कंडीशन फिर से देख लो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है ऐसे ही नोट कर लो ऑड के बाद में दो डिजिट इवन तो प्लस करना ऑड के बाद में दो डिजिट ऑड तो फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर को माइनस कर देना तीसरी कंडीशन थी इवन नंबर के बाद में अगर परफेक्ट स्क्वायर तो स्क्वायर को इवन से डिवाइड कर देना फिर इवन के बाद में टू डिजिट इवन तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। ये है हमारी रो वन और ये है हमारी रो टू इंडिविजुअली देखेंगे रो वन में दिया हुआ है फिफ्टीन क्या है ये टू डिजिट ऑड नंबर अब टू डिजिट ऑड नंबर के बाद में इलेवन दिया हुआ है देखो इंडिविजुअली करेंगे फिफ्टीन इलेवन ट्वेंटी फोर हंड्रेड तो अब फिफ्टीन के बाद में इलेवन दिया हुआ है ऑड के बाद में दो डिजिट ऑड सेकेंड कंडीशन तो क्या कह रहा था फर्स्ट को सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दो मतलब फिफ्टीन माइनस इलेवन कर दो तो आया कितना यहाँ पे फोर ट्वेंटी और फोर हंड्रेड एज आ गया अब फोर के बाद में ट्वेंटी इवन के बाद में दो डिजिट इवन चौथी कंडीशन तो क्या करना था मल्टीप्लाई सो फोर टू एट ये हो गया हमारा कितना एट्टी फोर हंड्रेड तो एज इट इज रहा अब देखो इवन के बाद में परफेक्ट स्क्वायर, 80 के बाद में परफेक्ट स्क्वायर है ना फोर हंड्रेड तब क्या करना था स्क्वायर को इवन से डिवाइड कर देना था तो फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाई 80, तो फर्स्ट रो का रिजल्टेंट कितना आ गया फाइव समझ में आया कुछ नहीं किया हमने कंडीशंस बस लगा दी फिफ्टीन से 11 जब गए तो ऑड के बाद में दो डिजिट ऑड था तो उनको हमने सब कर दिया फिर बाकी सारा एज इट इज राइट डाउन कर दिया फिर इवन के बाद में टू डिजिट इवन था तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया फिर इवन के बाद में परफेक्ट स्क्वायर था तो परफेक्ट स्क्वायर को इवन से डिवाइड कर दिया तो हमारा बच गया क्या रिजल्ट इन फाइव अब एट ट्वेल्व टेन तो एट ट्वेल्व इवन के बाद में इवन एट इंटू ट्वेल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा नाइन्टी सिक्स अब नाइन्टी सिक्स टेन ये भी तो इवन है और कोई स्क्वायर भी नहीं है तो 96 सिक्स इंटू टेन कर देंगे कितना आ जाएगा नाइन सिक्सटी तो दूसरे का रिजल्टेंट कितना आ गया नाइन सिक्सटी बात समझे ठीक है अब क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो इफ द रिजल्टेंट ऑफ सेकेंड सेट ऑफ नंबर इज डिवाइडेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ नंबर तो अब हमसे ये पूछा है कि सेकेंड सेट ऑफ नंबर के रिजल्टेंट को अगर फर्स्ट सेट ऑफ नंबर के रिजल्टेंट से डिवाइड किया जाए तो व्हाट विल बी द आउटकम नतीजा क्या होगा तो बस फाइव वन जा फाइव फोर्टी सिक्स फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव और ये हो गया कितना फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव टेन वन नाइन्टी टू सो ऑप्शन नंबर फाइव इज द राइट आंसर समझ में आया कुछ नया है ये कंडीशंस अगर नहीं समझ में तो रिवाइंड करके उसको दोबारा से देख सकते हैं। ठीक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है यहाँ पे फोर्टी थर्टी तो अब यहां करें चलो आ, एक मिनट फोर्टी थर्टी थर्टी सो फोर्टी थर्टी इवन मल्टीप्लाई कर दो ट्वेल्व हंड्रेड इवन के बाद में परफेक्ट स्क्वायर सो थर्टी सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाई ट्वेल्व हंड्रेड जीरो जीरो कैंसिल ट्वेल्व थ्री सा तो फर्स्ट रो का रिजल्टेंट कितना आया थ्री अब अगला देखो फिफ्टीन ट्वेंटी फोर सेवनटीन आई होप कंडीशंस आपने लिखी हुई है ऑड के बाद में इवन ऑड के बाद में दो डिजिट इवन तो हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी फोर कितना हो गया ये थर्टी नाइन और सेवनटीन ऑड के बाद में ऑड तो सब ट्रैक्ट कर देंगे सो थर्टी नाइन माइनस तो नाइन में से सेवन गया टू बचा थ्री में से सेवन गया टू बचा तो ये हो गया हमारा ट्वेंटी टू तो अब क्या है वॉट इज द सम ऑफ टू रिजल्टेंट नंबर से नंबर बिलो ऊपर दी गई संख्याओं के सेट के दो परिणामी संख्याओं का योग क्या है बस ऐड करना है सो so, ऐड करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे 22 प्लस थ्री सो दिस गिव्स अस 25 ऑप्शन नंबर टू डन अगला देखो एट सिक्सटीन सिक्सटीन फोर्टीन एट के बाद में परफेक्ट 16. स्क्वायर. 16 तो 16 को जब हम एट से डिवाइड कर देंगे तो टू टाइम्स फिर सिक्सटीन फोर्टीन ऐसे ही कैरी डाउन हो गया अब टू के बाद 16, फिर से परफेक्ट स्क्वायर तो इसको भी डिवाइड कर दो तो एट टाइम्स तो ये हुआ एट और फोर्टीन अब एट और फोर्टीन इवन के बाद इवन तो इवन के बाद टू डिजिट इवन मल्टीप्लाई कर देते तो 14, 8 सा हो जाएगा कितना जाएगा एट फोर सा थर्टी टू थ्री कैरी एट वन एट नाइन टेन इलेवन एक सौ बारह तो फर्स्ट का रिजल्टेंट कितना रिजल्ट एक सौ बारह अब दूसरे का देखो थर्टीन इलेवन ट्वेल्व वन फोर्टी फोर ऑड ऑड होते हैं तो सब ट्रैक्ट करते हैं तो थर्टीन माइनस इलेवन टू बचा ट्वेल्व 144. अब इवन के बाद दो डिजिट इवन तो मल्टीप्लाई 24 144. अब 144 फोर्टी फोर ऑब्वियसली स्क्वायर है तो इसको 24 से डिवाइड कर दो तो 12 टू सा ट्वेल्व ट्वेल्व सा टू सिक्स सा ठीक है तो यहाँ रिजल्टेंट कितना आ गया हमारा सिक्स तो अब क्या पूछा है वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर तो डिफरेंस निकालना है बस और डिफरेंस निकालना है दैट मीन्स 112 सौ बारह माइनस छ तो एक सौ बारह माइनस छ मतलब एक सौ छन ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर क्लियर अगला देखो अब फिर से वही करवन फोर थर्टीन इलेवन माइनस कर देंगे तो टू बचा फोर अब इवन के बाद even. तो even के बाद even क्या हो गया टू फोर सा एट तो पहले का रिजल्टेंट आ गया एट अब दूसरे का देखो सेवनटीन थर्टीन ट्वेल्व तो ऑब्वियसली सब्रैक्ट क्योंकि ऑड के बाद ऑड फोर और ट्वेल्व अब ये भी आपका इवन और इवन है तो बस मल्टीप्लाई तो ट्वेल्व फोरजा फोर्टी एट सेकेंड का आ गया फोर्टी एट अब क्या बोला है यहां पे इफ रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द रिजल्टेंट ऑफ सेकेंड सेट ऑफ नंबर दैट मींस फोर्टी एट इन टू एट तो एट एट सिक्सटीन एट फोर जा थर्टी टू थर्टी थ्री वॉट विल बी द आउटकम ये ही हुई बात रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द रिजल्टेंट ऑफ सेकेंड सेट ऑफ नंबर सही किया हमने रुको तो एक बार चेक करते हैं इसको दोबारा से थर्टीन इलेवेन फोर तो अब देखो ऑड के बाद ऑड वाली थी तो अब ऑड के बाद ऑड वाले में क्या था फिर फर्स्ट माइनस सेकेंड ठीक है फर्स्ट माइनस सेकेंड तो थर्टीन माइनस इलेवन तो ये तो टू हो गया और फोर ओके ये इवन इवन मल्टीप्लाई करने की जगह ये डिवाइड हो जाएगा क्यों ऐसे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि फोर इज अ परफेक्ट स्क्वायर फोर क्या है परफेक्ट स्क्वायर है डेफिनेटली तो ये हो जाएगा हमारा फोर डिवाइडेड बाय टू तो यहाँ रिजल्टेंट आ जाएगा टू ठीक है अगला देखो सेवेंटीन थर्टीन ट्वेल्व ये तो ठीक था सेवनटीन माइनस थर्टीन चार और बारह इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ट्वेल्व फोर्सा फोर्टी एट तो यहाँ हो गया हमारा फोर्टी एट अब मल्टीप्लाई करते हैं. 48 एट टू क्वेश्चन में ये यही कहा ना रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट सेट मल्टीप्लाइड बाय द रिजल्टेंट ऑफ सेकंड सेट तो टू एट 16 टू फोर ज एट नाइन्टी ऑप्शन नंबर टू 96 सिक्स इज द राइट आंसर डन कंडीशन गलत अप्लाई हो जाएंगी तो सारे आंसर्स गलत हो जाएंगे ठीक है अगला देखिए थर्टींथ क्वेश्चन अब देखो फिफ्टीन ट्वेल्व तो नाइनटीन माइनस फिफ्टीन क्योंकि ऑड ऑड है तो चार बारह अब चार और बारह बारह एक इवन नंबर है मल्टीप्लाई कर दो तो ट्वेल्व जा. फोर्टी एट डन अब अगला सेट देखो पंद्रह बारह तेईस सोलह पंद्रह बारह ऑड के बाद इवन तो ऑड के बाद इवन का मतलब क्या था प्लस करना था तो फिफ्टीन प्लस ट्वेल्व कितना हो गया ये ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी थ्री सिक्सटीन के बाद ऑड सब्ट्रैक्ट अब सिक्सटीन इज अ परफेक्ट स्क्वायर दैट मींस सिक्सटीन डिवाइडेड बाय फोर 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 सा तो यहाँ बच गया कितना फोर तो सेकेंड का रिजल्टेंट हो गया फोर अब क्वेश्चन में क्या है वो देखो में है रिजल्टेंट ऑफ सेकेंड सेट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट सेट फोर्टी एट माइनस फोर सो व्हाट विल बी द आउटकम फोर्टी एट माइनस फोर फोर्टी फोर ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर वन तो कुछ नया सीखने मिला आज हमें तो बहुत मजा आया आई होप आप लोगों ने भी कंडीशंस लिखी और उसको फिर अप्लाई करा तो समझ में आपको भी आएगा क्लासेस की टाइमिंग एक बार फिर से देख लू यूट्यूब पे साढ़े चार बजे मंडे से लेके फ्राइडे तक और सैटरडे संडे चार बजे प्लस पे जो बैच बारह बजे से एक बजे तक आने वाला है वो आएगा एटीनथ ऑफ नवंबर को और फ्री स्पेशल क्लासेस सब्सक्राइबर नॉन सब्सक्राइबर के लिए जो चल रही है वो है साढ़े सात से साढ़े आठ सुबह नौ बजे से दस बजे तक रात जिस प्रोफाइल को फॉलो करोगे अन अकेडमी पे दैट इज समि शुक्ला जिस कोड को यूज़ करोगे टू गेट द टेन परसेंट डिस्काउंट एंड अवेल बेनिफिट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट इज एस एम एस टेन सेशन पसंद आया कुछ नया सीखने को मिले इस दिवाली में और कुछ अच्छा हुआ बेहतर हुआ तो उसके लिए सेशन को लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरीके से हमारे साथ हर एक सेशन में जुड़े रहेंगे तब तक के लिए टेक केयर एंजॉय योर फेस्टिवल Thank you so much.